मेरे भाई, जब आप ये जो पेपर लीक का मामला है, जब आप अनपढ़ लोगों को नेता बनाइएगा, जो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया हैं, वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे, कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा? कुछ लोगों का सवाल है, भैया पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नहीं बोलते हैं, आगे भी नहीं बोलेंगे। पेपर लीक होना कोई खबर ही नहीं है तो क्या बोले? जब पेपर लीक हुए बगैर कोई एग्जाम हो जाता है उस पर टिप्पणी करते हैं। यहाँ तो बिहार में 10 वर्ष में जितना एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ, कितना बार बोले? और कौन लोग पकड़े गए? जो लोग भी दोषी पाए गए वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे उनके साथ फोटो आया है, और आप कह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे। अब देखिए।